मैं अपने दोस्तों को, गुड़गांव वासियों को तो ये कहना चाहूँगा, ये एक ऐसी छुट्टी आ रही है क्योंकि इतनी बीमारियों से लड़े हैं हम, कोविड वगैरह हुआ और ऐसा लग रहा है जैसे हम जेल में बंद थे, अब छूट गए और भी इस त्यौहार को खूब मनाएंगे। तो बच्चों के लिए पिचकारी क्या, रंग क्या, एक ऐसा उल्लास होता होली का। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण की ये कृपा रही कि ये त्यौहारों का देश है और यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं, विदेश में रहकर लोग तरसते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, बाकी वो आकर यही कहते हैं हिंदुस्तान जैसा देश नहीं। हम लोगों में ये खास बात है अपने जो हिंदुस्तान में कि सब लोग त्यौहार को खास बनाते हैं। अभी साल में कोई रूठा हुआ है हमसे, कोई नाराज है हमसे, कारण हमारा रहा हो या उसका रहा हो, कोई भी रहा हो, हम तो अपना कारण समझ के और होली के दिन अपने गिले सूखे दूर कर लेते हैं, खूब गले मिलते हैं, खूब रंग लगाते हैं और ये उम्मीद करते हैं भी आज से जो भी गिले सूखे थे सब ख़त्म और अभी हम जो है मिलजुल कर रहेंगे। और जो लोग होली नहीं खेल सकते, चाहे वो झोपड़ी पट्टी वाले हैं और 10-20 हज़ार रुपये तुम्हें भगवान ने दिए हैं, उनको पिचकारियाँ रंग बकारी खूब बांटो, ये नहीं उनको अनाज बांटना है, ये राशन बांटनी बात है। अरे उनका भी त्यौहार जब होगा, मेरे घर में जब खुशी आएगी कि मेरा पड़ोसी मेरे से ज़्यादा खुश रहे, उसके घर से हंसी की किलकारी आए तो मेरे घर खुशी होगी।